नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। देखिए, जब स्लोगन ही ऐसा है तो लोग तो चटकारे लेंगे ही। यानी पाकिस्तानी महिलाओं द्वारा 8 मार्च महिला दिवस के अवसर पर मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा अब ट्रेंड कर रहा है। परंतु इस ट्रेंड के साथ एक चीज और ट्रेंडिंग में चल रही है, वह है हलाला कारोबार से जुड़े मुल्लाओं का मेरी टोपी मेरा तहमंद। यानी जिस्म का टकराव तहमंद से है और मर्जी टोपी के साथ उलझ गई है। इसलिए जब कल हलाला और तलाक पीड़ित साथ में मुल्लाओं के तहमंदों की भेंट चढ़ी, पाकिस्तानी महिलाएं सड़क पर उतरी तो मदरसा पैदाइश के पिछवाड़े पर खाद उठना लाजमी था। अब जिन्हें यह लगता है कि पाकिस्तानी महिलाओं के जिस्म और मर्जी वाले बयान से अल्लाह रुष्ट हो सकता है, उन्हें अपने तहमंदों पर लगे सफेद दाग जरूर देखने चाहिए। क्योंकि यहां हलाला के नाम पर रेस्टोरेंट चलाने वाले मुल्ला बिना तंदूर का सिका गोश्त खाते हैं। पाकिस्तान जैसे इस्लामिक मुल्क में औरतों का कितना सम्मान है, इसका जीवित उदाहरण इमरान लोंडा है, जो 3-3 का खसम बनकर आज पाकिस्तान का खसम बना हुआ है। खसम भी ऐसा कि पाकिस्तानियों की दुम इसी के राज में 4 फीट लंबी हो चुकी है। और 18 महीने के कार्यकाल में 96 अरब 70 करोड़ डॉलर का कर्ज अब बढ़कर 111 अरब डॉलर हो चुका है। यानी औसतन हर माह 1 अरब डॉलर का कर्ज लेकर यह पीएम देश के जाले झाड़ रहा है। मगर यहां की महिलाओं का फर्ज मदरसे के मुल्ला ताड़ रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान की महिलाओं को सड़क पर मार्च करके इनके तहमदों के दाग दिखाने की आवश्यकता पड़ी है। बड़ी बात यह है कि भारत में जब कुछ काले प्रेत सड़क पर पिछवाड़े घिसवा रहे हैं, तब पाकिस्तानी महिलाओं ने जागरूक नारी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। 3 तलाक तो पाकिस्तान में पहले ही बैन है। इसके लिए यहां की महिलाओं ने बड़ा संघर्ष किया है। आज हलाला और घरेलू मारपीट पर भी यह एकजुट हो रही है। जबकि भारत की मुस्लिम महिलाएं अभी भी हलाला के व्यापार से मेरा जिस्म तेरी मर्जी के पथ पर चल रही है। इसका ताजा उदाहरण पिछले दिनों देश में बने साइन बागों में देखा जा सकता है, जहां महिलाओं को तलाक की धमकी और मारपीट करके आंदोलन में भेजा गया। बाद में महिलाओं ने सच्चाई बताई तो हलाला कारोबारियों की असलियत सामने आई। इस बात में दो मत नहीं है कि भारतीय मुस्लिम महिलाओं की हालत भी पाकिस्तानी महिलाओं से ज्यादा जुदा नहीं है। वे आज भी दकियानूसी नजरे का शिकार है। 7 फीट लंबा प्रेत जैसा काला लबादा और इद्दत जैसी कुरूति इन महिलाओं की उन्नति में बड़ी अवरोधक है। ऊपर से इन्हें बच्चे पैदा करने की आइस फैक्ट्री जैसी मशीन बना दिया है। मजे की बात यह है कि मुस्लिम महिलाएं अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाए तो सारे मुल्ला उसे इस्लाम विरोधी रंग देने से नहीं चूकते हैं, जिससे साबित होता है कि यह पुरुष प्रधान मजहब है, जहां महिलाओं को केवल उपभोग और सेवा की वस्तु समझा जाता है। इसका मतलब यह है कि मुल्ला तहमंद उठाकर भी चलेगा, दागदार होने पर नया भी खरीदेगा, बेगम वक्त पर टॉयलेट से बाहर नहीं आई तो तलाक का बोर्ड लटका मिलेगा। अब ऐसे माहौल का अनुमान कोई भी अहमक लगा सकता है। यानी मुस्लिम महिलाओं का पुरुष प्रधान मजहब में सबसे ज्यादा शोषण हुआ है। पाकिस्तान में महिलाओं के मार्च में जमाते इस्लामी के नेता भी शामिल हुए। इसके मुखिया सिराजुल हक ने दावा किया है कि आने वाले चुनाव में वे किसी भी पुरुष उम्मीदवार को टिकट नहीं देंगे। बड़ी बात यह है कि इमरान लोंडा मार्च के खिलाफ है, शायद इसलिए कि कहीं उनकी चौथी हाजिरी में अड़चन ना आ जाए। वैसे भी एक कहावत है, मुल्ला ने खसम किया कोई बात नहीं, खसम करके छोड़ दिया फिर भी कोई बात नहीं। पर दिक्कत तब हुई जब मुल्ला को हलाला के लिए खाला के पास जाना पड़ा, यानी शाम को इंशाल्लाह, दोपहर को बिस्मिल्लाह। भारत की मुस्लिम महिलाओं की हालत मेरा जिस्म मुल्ला की मर्जी पर आश्रित है। मोदी सरकार ने उनके उत्थान हेतु कुछ प्रयास जरूर किए, परंतु वह नाकाफी है। हलाला व्यापार अभी भी चरम पर है, वह लगातार घरेलू हिंसा का शिकार है। उन्हें मजहब का बेफिजूल डर दिखाकर चौखट के पार कैद कर दिया गया है। वह अभी भी कैदी की तरह जीवन गुजार रही है। मुल्ला जी पूरे दिन गलियों में उड़ान भरते हैं, मगर इनके पंख उतर दिए गए हैं। हालत यह है कि इन्हें साइन बागों में पिछवाड़े घिसने के लिए तो भेजा, पर ये अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाए तो उन्हें मजहब का डंडा दिखा दिया जाएगा। पाकिस्तानी औरतें भारतीय मुस्लिम महिलाओं के लिए नजीर साबित हो सकती है। उन्हें भी आगे आकर पुरुष प्रधान मजहब के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि आधुनिक समाज में आज ऐसा करने की ज्यादा आवश्यकता है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।